नमस्कार साथियों, मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कैंपस में। देखिए, आप सभी को पता चल चुका होगा जो पेपर होंगे अब ऑफलाइन मोड पर होंगे सीटेट 2023 के। अगस्त में यहाँ पर पेपर होने वाला है, 20 अगस्त है ना। अब यहाँ पर एक बात आती है सोचने पर कि पेपर का जो लेवल होगा वो आसान होगा या मुश्किल होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। और अगर हमें तैयारी करनी है एक नया एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसी बात है जब यहाँ पर मोड ही डिफरेंट हो गया तो एग्जाम पैटर्न में भी चेंज आएगा, क्या इसमें भी बदलाव आएगा, तो मैं आप सभी से कह दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना आप सभी के लिए। एक दिन पेपर हो रहा है, एक दिन पेपर हो रहा है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले यहां पर 20-20, 25-25 पेपर इकट्ठे हो जाते थे, यानी कि अगर मैं 2022 की बात करूं तो यहां पर अब आपके लिए क्या चैलेंज होगा, एक दिन पेपर होगा। अब आपको जो बाकी के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको ओएमआर शीट में लगाने पड़ेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए ओएमआर शीट क्या होती है। यहां पर आपको 4 गोले दिए जाएंगे और इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो फिल करना होगा। अब यहां पर 15 मिनट अलग हो गए, अब बाकी का जितना भी समय होगा अब आपको यहां पर टिक मार्क करने होंगे। क्या ये कंपैरेटिवली इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? मेरे टाइम पर जब हमने इसे किया था, या जब पीपल टीचर्स जो अभी रिसेंटली हमारे जो पीपल टीचर्स है उन्होंने किया था, तो मैं आप सभी से कह दूं दोनों में बहुत फर्क आया। ऑफलाइन मोड पर 15 मिनट जो है वो हमें निकालने पड़ते थे, अब यहां पर क्या होता है एक दिन पेपर होता है तो एक दिन पेपर का लेवल इतना हाई हो जाएगा जिसमें मतलब पेपर आसान नहीं होगा। जो बच्चे समझ रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है वो आसान होगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम ऑनलाइन मोड पर बात करें, इस बार का जो पैटर्न था बिल्कुल ही डिफरेंट था, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट आप कह सकते हो। अब एक दिन होगा तो एक दिन में सटीकता से, मतलब बहुत ही कंसाइज तरीके से, प्रिसाइज तरीके से जो है पेपर बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा। अब जब लेवल डिफिकल्ट होगा उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी बननी चाहिए। तो मैं आप सभी से कह दूं कि मैं आपकी गाइड साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हो, आप मेरी कुछ वीडियोस देख सकते हो, उसमें किस तरीके से लॉजिकल तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी इज अ मस्ट यानी यदि आपको पेपर में उत्तीर्ण होना है तो आपको यहां पर, अगर आप सामाजिक विज्ञान से बात कर रहे हैं, मतलब सामाजिक विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है तो उस पर पकड़ होनी जरूरी है, मनोविज्ञान से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और उसके लिए आप कोई भी एक्सवाईजेड बुक मत रेफर करिए, कहीं पर भी आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमें ये लगता है कि जो एग्जाम सेंटर होगा वो कैसे होगा, मतलब एग्जाम सेंटर पास होगा या दूर होगा। देखिए, एग्जाम सेंटर मोस्टली पास ही होता था हमारे समय में भी, इवन दो जब ऑनलाइन जब पेपर हुए तो थोड़ी सी दूरी पर होता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर लैब मौजूद नहीं होती थी। अब चूंकि वो ऑफलाइन है तो एग्जाम सेंटर की चिंता छोड़ दीजिए, वो पास में ही होगा, अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। अब यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप मेरी कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी, और बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने बता रखा है, क्योंकि अभी का जो पैटर्न आ रहा है अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि इसका कौन, मतलब कौन सा ऑथर किसका है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए गहराई से जाना पड़ेगा। और हाँ, ऐसी ऐसी चीजें भी पूछी जा रही है जो नहीं पता है, जैसे मेमोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेमोरी डिवाइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने मनोविज्ञान में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब हम अपर लेवल की बात करते हैं वहां से क्वेश्चंस आए थे। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा लेवल उसका टफ था, और यदि एक दिन होगा, निचोड़ करके बता रही हूं, एक दिन होगा तो पेपर का लेवल अच्छा खासा होगा, आसान नहीं होगा। तो सभी की सभी अपनी तैयारी शुरू कर दे, और जल्दी तुम्हें एग्जाम देखने को मिलेगा, और मतलब एग्जाम तो है ही है, तैयारी अपनी शुरू कर दो अब से, ठीक है। 2-3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और छोटी छोटी वीडियोस के साथ मैं बनी रहूंगी, और जितनी भी थ्योरेटिकल क्लासेस है उसके साथ भी मैं बनी रहूंगी। सभी को नमस्कार, राम राम प्रणाम एक बार फिर से।